सारे के सारे, एक टीम आ चुकी है हमारी, ये टीम जो है टेस्टिंग की विनर है, ठीक है गाइस, टेस्टिंग की विनर है ये लोग, ठीक है, टेस्ट वाले मैच में ही विनर हुए थे भाई, डरना क्यों नहीं है, तो का बताइए, टीम पास में है नहीं, बाकी इधर आप देख सकते हैं 11 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, चलिए 11 नंबर, 11 नंबर भाई इधर भोपाल पे रहे, तो चार के चारों बंदे हैं, हेलो भाई मेरा टाइम को आना है भाई, मेरी टाइम भाई तुम्हारी है भाई, सही से लिखो पंकज तिवारी भाई, सही से लिखो पंकज तिवारी, हेलो भैया भाई जमा तू यार सबको ऋषि राज ठाकुर लहंगा में वाईफाई, हेलो भैया लव यू, लहंगा में वाईफाई कैसा, रितिक टॉक अर्जित, रितिक टॉक किसी दिन यूट्यूबर, यूट्यूबर क्या है, नंबर देखते हैं टीम नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ऊपर चलते हैं और देखते हैं ड्रोन कहाँ पे कौन है, पास ही है तुम्हारे, तुम फाइट कर सकते हो, देख ये टीम हमारी जो है अच्छा खासा ले रही है, अच्छा खासा फाइट वगैरह ले रही है, सही है खेल रही है, 11 नंबर और 1 नंबर टीम का मैटर कुछ होगा तो मुझे पता है, यहाँ पे बाकी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, अभी क्या हुआ है तो पता नहीं, लेकिन 11 का होने वाला है भाई, यहाँ पे देखते हैं 11 का होने वाला है फाइट, 11 का फाइट होने वाला है, थोड़ा कम करते हैं इसको, ग्रेनेड वगैरह फेंक के जा रहे हैं धड़ाधड़ से बिल्कुल, मतलब क्या ही बताएं, थोड़ा नीचे करते हैं तब मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा, 11 लोग भाग गए, 11 नंबर निकल लिए, सही से फाइट नहीं ले रहे अभी, मुझे इस बार लग रहा है हमारी जो सीआरजी की टीम है वो जीतेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, चलो मैं किसी नंबर टीम भी मजे ले रही है पूरे के पूरे, ओ भाई बड़ा अच्छा माहौल देखने को यहाँ पर, क्लास TRL जो थे वो उनका सीन खत्म हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जमीन में घुसेगा, एक बंदा DRL का बचा हुआ है लेकिन ये भी ज्यादा देर तक कुछ नहीं पाएगा क्योंकि इस पे सामने से यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर टीम का एक बंदा जो है वो मारने में लगा हुआ है बिल्कुल, बाकी के यहाँ पे चलते हैं, आप देखते हैं इधर का क्या सीन रहने वाला है, यहाँ पे भी 2 नंबर टीम का जो है सीन आप देख सकते हैं, बैंकर फाइट कर रही है एक नंबर टीम जो हमारी है, वहाँ से जो TRG की टीम है उधर से भैया बहुत खत्म खल्लास कर, टीम स्टार्ट जो है खत्म हो चुकी है, अब गाइस देखते हैं इनका अगला निशाना क्या है, तो यहाँ पे इनका एक बंदा आई थिंक जा चुका है, मैं देखता हूँ पास करके, हाँ एक बंदा इनका खत्म हो चुका है, अभी गाइस इधर देखते हैं अभी क्या ही सीन है, समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे, ये सब अलग अलग होकर बंदे खेल रहे हैं, 2 बंदे इधर पड़ा, अच्छा खासा पड़ा लेकिन किधर से पड़ा है ये, यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर वाला बंदा मार रहा है लेकिन आई थिंक ये बंदा जो है मरेगा, ये बंदा जोर से मरेगा अगर ग्लू होगी, यहाँ पे भाई बस एक ही टीम बची हुई है CRG और यहाँ पे 8 नंबर का एक बंदा बचा हुआ है, मैं यहाँ पे देखता हूँ मार किसको, खत्म, मैंने बोला था ना ये भैया भैया गए CRZ को, एंड यहाँ पे भाई क्या ही बताएं, मजा आ गया, बहुत बढ़िया खेल है गजब का भाई, स्पोर्ट के 19 जो है स्कोर है, 10 किल है यहाँ पे और यहाँ पे स्कोर 19, 25 एंड 15 का है, इसको मिनिमाइज करना होगा, चलो गाइस आ रहे हैं सारे लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं, ओके, 2 नंबर टीम ने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे CRG की स्कोर बहुत अच्छी कैंप कर दी है, अगर यहाँ पे टीम नंबर के लोग पकड़ लेते हैं
जो भी बंदा, मुझे लगता है सबसे अच्छा एडवांटेज यहाँ पे फोर 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 आर्म्स की स्क्वाड को मिलने वाला नंबर का हो रहा है। बहुत गंदा हो रहा है, असुस्थाम पटेल ने महाकाल भी दौड़ रहे हैं और उसके साथ में यहां पे जो है अगर वो सीमेंटेड पकड़ ले रहे हैं आसिम, बहुत ही गंदा डैमेज दे रहे हैं। ग्लोरियस और 85 का हेडशॉट एससीएस का था। प्रम चिंदो बहुत गंदा डैमेज देते हुए सामने वाले बंदे को मजबूर कर दिया बैकआउट करने के लिए। मैंने जैसे ही बोला सीमेंटेड राइट साइड में जोन बनना चाहिए, राइट साइड सीमेंटेड में ही जोन बना। तो 500 लाइक की बात है, ठीक है, जरूरी था बोलना, काम नहीं है बट इनका फायर पावर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है सामने वाली। तामा नॉक हो चुके हैं जी। और यहाँ पे भाई अगर इनको फायर पावर अच्छा रहा, अगर वही तो भयंकर सर्वाइव भैया, भयंकर सर्वाइव ओपी। और यहाँ पे सीआरजी की भी पूरी स्क्वाड यहाँ पे बची हुई है, सीआरजी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे 5v4। और एक डाउन पड़ा है, एक और यह पूछा जाता है मेरे अकॉर्डिंग गौतम की स्क्वाड ही ले जा पाएंगे। दो बंदे बचे हुए हैं, ओपी सर्वाइव किल तो नहीं के लिए हर्षु के लिए अच्छे हैं यार। मेरे अकॉर्डिंग ये पूछा हो चुका है सीआरजे की तरफ। और देखते हैं सामने वाले दो बंदे अगर ओ भाई खतरनाक वाला कुछ कर सकते हैं तो नहीं। एक चीज है, सीआरजी की स्क्वाड में थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये लोग पूजा मिस कर गए, वरना इनका जितना फायर पावर था मुझे लगा था यही निकाल दिया। और रिस्की ना, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी।